नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। पुलिस प्रशासन द्वारा जहां सेव ड्राइव सेव लाइफ कार्यक्रम के जरिए सड़क दुर्घटना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं आए दिन सड़क दुर्घटना से लोग जान गंवा रहे हैं। मंगलवार शाम को बानरहाट से लौटते समय फालिशबाड़ी पुल से समीप पीछे से आ रहे एक बस के धक्के से मोटर बाइक में सवार दो लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। घटनास्थल पर एक युवक की मृत्यु हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। SFI की ओर से प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया गया है। संगठन की ओर से सरकार से हाई स्कूल के साथ साथ प्राथमिक स्कूल भी तत्काल खोलने का अनुरोध किया गया है। वहीं लंबे आंदोलन के बाद सरकार द्वारा स्कूल कॉलेज खोलने के निर्देश की खुशी में SFI के सदस्यों ने विजय रैली निकाली। फालाकाटा नगर पालिका की पहल पर फालाकाटा कम्युनिटी हॉल में मां कैंटीन की शुरुआत की गई। हालांकि नगर निगम चुनाव की पहले विपक्ष ने फालाकाटा में इस मां कैंटीन के उद्घाटन की आलोचना की। अलीपुरद्वार जिला के कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि चुनाव से पहले लोगों को 5 रुपए में खाना पीने की सुविधा दी जाती थी, लेकिन एक तरफ तो यह बेहतर है कि हमारी जनता इन 5 रुपए से खा सकती है और इस एक महीने की मंदिर कैंटीन में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। जलपाईगुड़ी कोतवाल थाना की पुलिस ने ट्रक के सामने राशन सामग्री का बोर्ड लगाकर लकड़ी की तस्करी का पर्दाफाश करते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान ट्रक में भारी संख्या में अवैध लकड़ी बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक और खलासी को हिरासत में ले लिया। ट्रक के सामने सरकारी बोर्ड लगाकर ट्रक को अलीपुरद्वार से सिलीगुड़ी फुलबारी तक लाखों रुपए की लकड़ी ले जाई जा रही थी। पुलिस ट्रक चालक और खलासी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। देश में मौत का तनाव मचाने लगा है कोरोना। मृतकों की संख्या में हो रहा है इजाफा, टेंशन बढ़ रही है। एक ही दिन में 1733 लोगों ने गंवाई अपनी जान। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,61,386 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से 2,81,109 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं डेल्टा पॉजिटिव रेट भी घटकर 9.26% पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में तीसरी बार प्रचंड जीत के बाद अब सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का संगठनिक आज चुनाव होने जा रहा है। तृणमूल के महासचिव व उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया कि बुधवार 2 फरवरी यानी आज संगठनिक चुनाव होगा और 31 मार्च तक नया गठन होने के साथ यह चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में होगी। उत्तर बंगाल के कई जिलों में सर्दी का कहर जारी है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संकेत दिया है कि ठंड अभी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, कई इलाकों में बारिश भी हो सकती है। विभाग के अनुमान के अनुसार 4 और 5 फरवरी को दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और तमाम उत्तर बंगाल के जिलों में फिर से बारिश हो सकती है। न्यूज हाइलाइट्स में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM डिगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहाँ मौसम खुशनुमा, पहुँच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंद विल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय डिगराज ग्रुप, 9735122000। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।
रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान जहां मिले आपको सारा सामान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहां आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, सेकंड फ्लोर कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी।